हेलो दोस्तों, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर, ठीक है जी। पुअर कंडक्टर किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। देखिए, अब आपको यहाँ पर मेटल दिख रहे होंगे। मेटल्स क्या है? कास्ट आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, टंगस्टन भी मेटल है, कार्बन कार्बन मेटल नहीं है, ठीक है जी। कार्बन नॉन मेटल है, बट इसकी तीन फॉर्म होती है कार्बन की, याद होगा आपको। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होती है, डायमंड होती है, ठीक है जी। ग्रेफाइट, डायमंड, बैकेलाइट, इस टाइप की इसकी फॉर्म होती है कार्बन्स की, ठीक है जी। कार्बन्स की कोल, कोल भी किस क्या होता है? कोल भी कार्बन की फॉर्म होती है, ठीक है जी। तो कोल, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? कार्बन की फॉर्म होती है अलग अलग, जिस फॉर्म में ये पाया जाता है अर्थ पे। तो देखिए, कार्बन नॉन मेटल है, तो ये तो पता ही चल गया। ये क्या है? ये तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बस इसमें जो ग्रेफाइट होता है, इसका जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कार्बन की जो फॉर्म होती है ग्रेफाइट, उसमें जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी उसकी शेल में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ग्रेफाइट होती है कार्बन के लिए। अपन यहाँ ध्यान रख लेंगे कि कार्बन का ग्रेफाइट जो होती है उसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है, ठीक है जी। बट मेटल के कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में तो ये क्या है? ग्रेफाइट। मेटल के कंपैरिजन में ये ग्रेफाइट भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। मेटल के कंपैरिजन, क्योंकि मेटल ज़्यादा अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसकी मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, मतलब रेजिस्टिविटी बहुत लो है जहाँ पर, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी ग्रेफाइट की बहुत हाई है इन कंपैरिजन ऑफ मेटल, तो इस वजह से ये थोड़ा पुअर कंडक्टर है। या तो ये कंडक्टर ही ग्रेफाइट, बट ये क्या पूरा कंडक्टर है? तो ठीक है जी, यहाँ पर नॉट अ पूरा कंडक्टर पूछा गया। तो अब टंगस्टन की बात कर लेते हैं। आप बल्ब देखते हैं, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट, फिलामेंट में कौन सा मेटल, कौन सा मटेरियल यूज होता है? टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है जी। वहाँ पर क्या होता है? हीट का लॉस होता है। उस हीट के लॉस की वजह से, देखिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है जी। ये टंगस्टन का जो आप वायर देखते हैं यहाँ पर, ये टंगस्टन का वायर होता है। यहाँ पर आपको लाइट किस लिए मिल रही होती है? लाइट यहाँ पर देखिए, आई स्क्वायर आर लॉस यहाँ पर हुआ, इसका रेजिस्टेंस टंगस्टन का। टंगस्टन का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहना चाहिए मुझे। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है टंगस्टन का, ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ही हाई होती है, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी भी बहुत ही आती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इसका अच्छा खासा होता है। रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है? आई स्क्वायर आर ड्रॉप, आई स्क्वायर आर ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा होता है, आई स्क्वायर आर ड्रॉप। और आई स्क्वायर आर ड्रॉप जो होता है, ये हम इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। और आई स्क्वायर आर ड्रॉप क्या होता है? क्या होता है? लॉस ऑफ पावर, पावर लॉस। जनरली ये पावर लॉस होता है, बट यहाँ पर ये पावर लॉस, यहाँ पर जो पावर लॉस है, ये काम करना, ये किस काम आ रहा होता है? ये पावर लॉस काम कर रहा होता है लाइट एमिट करने की, ठीक है जी। देखिए, इसकी जो हीट होती है आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से, इसको मैं हीट की टर्म्स में देखना चाहूँ तो आई स्क्वायर आर लॉस भी जो होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो आई स्क्वायर आर टी एनर्जी देगा। तो बेसिकली जो हीट हीट जो हीट ही ना हीट एनर्जी में जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है वो है आई स्क्वायर आर टी लॉस, ठीक है जी। आई स्क्वायर आर टी लॉस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो हीट एनर्जी ये जो निकल रही है यहाँ से, ये इस लेवल की एनर्जी है, ये इस कौन सी एनर्जी है? इसकी वेव लेंथ, इस एनर्जी की वेव लेंथ, इस एनर्जी की, या मैं कहूँ इस एनर्जी के अंदर इसके रेडिएशंस की वेव लेंथ इतनी है कि एक विजिबल विजिबल रेंज ऑफ लाइट में आ जाती है, ठीक है जी। एक लाइट की विजिबल रेंज में आ जाती है, तो उसकी वजह से हमें टंगस्टन से क्या दिखाई देता है? टंगस्टन से हमें क्या दिखाई देता है? कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। जनरली वो क्या है? हीट लॉस है, ठीक है जी। हीट लॉस हो रही है और वो हमें लाइट की फॉर्म में दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी एक वेवलेंथ, उसने इतनी वेवलेंथ एक्वायर कर ली है, ठीक है जी। उसकी इतनी वेवलेंथ है कि वो हमें एक विजिबल लाइट की फॉर्म में दिखाई दे रही है। क्योंकि एनर्जी क्या है? एनर्जी जनरली क्या है? अलग अलग एनर्जीज अलग अलग वेवलेंथ में कन्वर्ट होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अपनी अपनी हमें नज़र आती हैं, ठीक है जी। आप कहीं इंफ्रारेड या फिर क्या बोलते हैं, आपको जो विजिबल रीजन होता है, इन विजिबल रीजन में उसकी एक वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, जिसकी वजह से वो हमें एनर्जी लाइट की फॉर्म में दिख रही है, ठीक है जी। तो लाइट भी एक एनर्जी ही है, ठीक है जी। सारी एनर्जीज ही हैं ये। तो एनर्जीज जो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो इस तरह की वेवलेंथ, एक विजिबल वेवलेंथ एक्वायर कर लेती है, और जहाँ पर हमें ये लाइट की फॉर्म में दिखने लग जाती है, ठीक है। तो हीट एनर्जी को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है क्या आपका इलेक्ट्रिक बल्ब? ये, और ये टंगस्टन मटेरियल्स में इसलिए यूज हो रहा है। बट क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा हो। तो ये तो मेटल है, टंगस्टन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, तो वो तो बात इसकी सही है टंगस्टन की, कि इसमें फ्री ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही। बट देखिए,
इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है टंगस्टन की। टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही हाई, क्योंकि जनरली हमें चाहिए क्या यहाँ पर इस बल्ब के केस में, ओनली इस बल्ब के केस में क्या चाहिए कि हमें कि इसका रेजिस्टेंस इतना हाई हो कि इसमें आई स्क्वायर आर ड्रॉप और आई स्क्वायर आर टी हमारी हीट की फॉर्म में एनर्जी निकले, जो क्या विजिबल रेंज ऑफ लाइट की फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। हमें टंगस्टन से तो यहाँ पर ये यूज है इस बल्ब में, बट जब हम किसी भी वायर में करंट हमारा जो बेसिकली जो घर में वायरिंग होती है उसमें जो करंट फ्लो होता है, क्या उसमें हम टंगस्टन को यूज कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होगा, वोल्टेज का ड्रॉप ड्रॉप बहुत ज्यादा और आई स्क्वायर आर लॉस जो यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस है तो वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो हम बेसिकली तो यही चाहते हैं जिस वायर से हमारा करंट निकले तो हम पर ये मिनिमम से मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करें या मिनिमम से मिनिमम एनर्जी लॉस करें, जो आई स्क्वायर आर को मतलब कॉपर लॉस जो है, आई स्क्वायर आर को क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी टंगस्टन की बहुत ही हाई है, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते, जस्ट ये कंडक्टर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खास है, बट इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होने की वजह से इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टंगस्टन हम इसका आंसर नहीं टिक कर सकते थे, ठीक है जी। कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन तो मेटल के रेस्पेक्ट में वैसे ही पुअर कंडक्टर होगा, तो कार्बन में हम इसका आंसर टिक नहीं कर सकते। अब बच गया कास्ट आयरन कॉपर, ठीक है जी। अब कास्ट आयरन कॉपर, तो आपको ये चीज़ आज से ध्यान रखनी है, कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन भले ही मेटल है, कास्ट आयरन भले एक मेटल है बट कास्ट आयरन जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से बहुत ही कम है। देखिए कॉपर आपने देखा होगा हर जगह जितनी भी अपनी वायरिंग होती है, जितनी भी वायरिंग होती है जगह जगह जितने भी आप वायर्स देखते हैं, तो बेसिकली सबसे अच्छा वायर कौन सा माना जाता है? कॉपर का, ठीक है जी। कॉपर का सबसे अच्छा वायर माना जाता है, और कॉपर का सबसे अच्छा वायर इसलिए माना जाता है कि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे लो नहीं है, इसलिए नहीं, रेजिस्टिविटी सबसे लो किसकी है? सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए? वो है सिल्वर, सिल्वर, ठीक है जी। सिल्वर, सिल्वर जो मेटल है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। बट क्या है ये, क्या इजिली अवेलेबल है? क्या क्या इजिली इसकी इसकी क्या कॉस्ट क्या कॉपर से कम है, कॉपर से ज़्यादा है? तो हमें कॉस्ट भी मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी मेंटेन करके रखने चाहते, तो हम सिल्वर को नहीं लेते, ठीक है जी। सिल्वर को हम ये फ्लो ये क्या बोलते हैं अपने वायरिंग में नहीं लेते, क्यों यार? ये भी महंगा भी है, ठीक है जी। सिंपल सी बात, हमें चीप भी चाहिए और इतना भी चाहिए कि वो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का वो ज़्यादा एनर्जी का लॉस ना हो, तो उसमें उस केस में कॉपर अच्छा रहता है, ठीक है जी। तो कॉपर इसलिए सुटेबल है, सुटेबल करंट को फ्लो कराने के लिए सुटेबल है कॉपर, क्यों? उसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ही लो है। और कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो होता है देखिए, इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से हाई है, ठीक है जी। कास्ट आयरन की रेजिस्टिविटी, सिंपल सा रीजन है कि हम कास्ट आयरन को क्यों नहीं लें, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाइयर है कॉपर से, हाइयर देन कॉपर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कॉपर, ठीक है जी। इसमें एक और मेटल की मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर, वो होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। देखिए अब कॉपर और एल्यूमिनियम में से किसकी रेजिस्टिविटी हाई है? कॉपर और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हाई है, बट इन केस ऑफ जहां पर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन देना हो, कि मतलब बड़े बड़े वायर जहां पर जरूरत होगी, बीच का स्पान बहुत ज्यादा हो दो वायर के बीच में, मतलब जनरल बहुत ही लॉन्ग ट्रांसमिशन हम करना हो, तो वहां पर हम एल्यूमिनियम प्रेफर कर लेते हैं, वहां पर हम एल्यूमिनियम प्रेफर कर लेते हैं। और इसलिए प्रेफर कर लेते हैं, एक तो कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट कॉस्ट क्या होती है, एल्यूमिनियम की लो है कॉपर से, कॉपर की कॉस्ट ज्यादा है, और दूसरी बात इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, और इसमें रेजिस्टिविटी जो इसकी रेजिस्टिविटी है ये एल्यूमिनियम की ज्यादा है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हम इसको एज अ गुड कंडक्टर ही कंसिडर ना करें, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, बट इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, ठीक है जी। बट कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम से कम है, बट एज अ हाइयर ट्रांसमिशन में इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। क्यों? उसकी स्ट्रेंथ जो है, एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ है वो एक अच्छा नेचर है इसका, एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ कॉपर से ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इतनी बात का डिस्कशन आप कर सकते थे, तो यहाँ पर भी आंसर कॉपर ही होता अगर एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में होता, ठीक है जी, एल्यूमिनियम भी ऑप्शन में होता, बट क्या है कि यहाँ पर पुअर कंडक्टर फिर वो नहीं देता, ठीक है जी। यहाँ पर उसको बेस्ट कंडक्टर लिखना पड़ता है, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग, तो वहाँ पर मैं क्या देता, कार्बन, वहाँ पर कॉपर देता। और अगर इसमें इसी पार्ट में वो सिल्वर भी ऐड कर देता, इसी पार्ट में वो सिल्वर भी ऐड कर देता, तो हमारा आंसर क्या होता? सिल्वर। क्यों? इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही लो है, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है, उसके बाद रेजिस्टिविटी किसकी है? कॉपर की है, फिर एल्यूमिनियम आता है, और इसी केस में अगर कंसिडर करूँ फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आप कास्ट आयरन को बोल देंगे, और लास्ट में आप टंगस्टन को बोलेंगे, और लास्ट में कार्बन को बोलेंगे। आ रही है जी बात समझ में? इतनी बात अगर इस तरह टाइप से देखते हुए चलेंगे तो आपको, मेरे को लगता है कि आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। तो इस टाइप के नेचर में जनरली कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है जी। ये मैंने एक नहीं आपको चार पांच क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।